हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो क्या हमें एज वर्सेस फिन वेलर का मैच फिर से देखने को मिल सकता है या फिर बॉबी लेसली वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच फिर से देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सिना के आने वाले इस बार का रेसलमेनिया के अंदर, इसके बारे में 100% मैं आपको कंफर्म रिपोर्ट बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। जितने लोग चैनल पर न्यू हो गए भाई, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना है, सारे लोग इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मैं वहां सबसे बात करता हूं पर्सनली चैट में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिछले वीक का स्मैकडाउन का वेट शिप के बारे में। अभी इलिमिनेशन चैंबर का मैच वगैरह चल रहा था, इसलिए मैंने उस टॉपिक को कवर नहीं किया था। तो पिछले वीक का जो स्मैकडाउन का जो वेट शिप निकलकर सामने आया 2.25 मिलियन के अप्रोक्स आया, जो कि काफी अच्छा एक वेट शिप। वैसे मैं आपको बताऊं, उससे पिछले वीक का जो वेट शिप निकलकर सामने आया था 2.39 मिलियन के अप्रोक्स आया था, मतलब 2.4 मिलियन के अप्रोक्स आया। वैसे मैं आपको बताऊं, पिछले स्मैकडाउन का बहुत ज्यादा वेटर शो नहीं था, ऑडियंस इसलिए आई थिंक स्विच की होगी ताकि रोमन रेंज का कुछ फ्यूड वगैरह देखने को मिल जाए, इसलिए मतलब स्विच की। वैसे आप लोगों को कैसा लगा था पिछले स्मैकडाउन का, सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। नेक्स्ट लोग बात करते हैं अपने सेथ फ्रिकिंग रॉलेंस के बारे में, जिनके बारे में बहुत सारे लिटरली रिपोर्ट निकलकर सामने आया। तो सबसे पहला अपडेट जुड़ा हुआ है सेथ रॉलेंस का न्यू जोकर वाला टीजर को लेकर। आई थिंक आप में से कुछ लोग देखे हुए होंगे। अगर आपको नहीं पता तो डब्ल्यू वाले रेसलमेनिया से पहले टीजर वगैरह लॉन्च करना चाहते हैं, जिससे रेसलमेनिया बहुत ज्यादा हाइप हो। और टीजर के अंदर जितने भी डब्ल्यू रेसलर रहेंगे सारे हॉलीवुड का किसी अलग अलग फिल्म का सारा कैरेक्टर निभा रहे होंगे। जैसे यहाँ पर सेथ रॉलेंस है जोकर का कैरेक्टर निभा रहे हैं। वैसे भाई मैं तो 10 out of 10 मार्क्स दूंगा यहाँ पर, मतलब सेथ रॉलेंस जोकर एकदम जस्ट उसी तरह से कैरेक्टर लगता है सेथ रॉलेंस। वैसे आपका ख्याल है इसके बारे में, आपको कैसा लग रहा है सेथ रॉलेंस जोकर के कैरेक्टर में, सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सेथ रॉलेंस का नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आई थिंक आप लोग सारे लोगों को थोड़ा सा सैड कर देने वाला है। तो रिसेंट टाइम होता क्या, सेथ रॉलेंस का एक स्टेटस निकल कर सामने आया, सेथ रॉलेंस वो रेसलर के लिस्ट में जो कि इलिमिनेशन चैंबर के अंदर 3 बार कम्पीट किया। और भाई कमाल की बात है, वो 3 बार कम्पीट करने के बाद भी आज तक एक भी रेसलर को एलिमिनेट नहीं किया इलिमिनेशन चैंबर। मतलब अगर आप लोग इस बार का इलिमिनेशन चैंबर अगर देखेंगे तो उसके अंदर मोंटा स्कॉट को आई थिंक कर्व स्टॉर्म देते हैं, उसके बाद वो नहीं पिन कर पाते, यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी पिन कर देते। भाई सोचो सेथ रॉलेंस का भी डब्ल्यू के अंदर कितना बुरा दिन चल रहा है, मतलब 3 साल से इलिमिनेशन चैंबर के अंदर कम्पीट करो, एक भी बंदा को पिन करके बाहर नहीं किया। इनका पिछले साल का भी ड्रामा देख सकते हो, लगातार डब्ल्यू वाले कोडी रोड से 20 बार, आई थिंक 20 बार से ज्यादा बार हरवाई थी यहाँ सेथ रॉलेंस। तो भाई इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर आपको बोलता हूँ कि सेथ रॉलेंस से मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ, सेथ रॉलेंस का जिस तरह से बुकिंग हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर आपको लोगन पॉल शायद से आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि लोगन पॉल और सेथ रॉलेंस का फिर फ्यूड वगैरह भी बिल्ड करना है ना इसलिए। और हाँ साथ ही साथ ये मैच आपको 100% कंफर्म होते हुए दिख जाएगा कुछ ही टाइम में, जो कि रेसलमेनिया के अंदर होने वाला, और इसमें कोई डाउट वगैरह नहीं। वैसे इस मैच के अंदर सेथ रॉलेंस को विक्ट्री मिलने वाला, लोगन पॉल को विक्ट्री नहीं मिलने वाला, पर हाँ सेथ रॉलेंस ज्यादा वेटर कुछ डिजर्व कर सकते थे। वैसे मैं आपको बताऊं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ट्रिपल एच ने लोगन पॉल का तारीफ भी कहा कि अब वो यूट्यूबर वगैरह नहीं, अब वो प्रोफेशनल रेसलर बन चुका है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भाई ट्रिपल एच का कहना कुछ गलत नहीं, आई थिंक अगर मैं गलत हूँ 3 या 4 मैच ऑलरेडी डब्ल्यू के अंदर वो रेसल भी कर चुके। और इससे पहले अगर आप लोग को नहीं पता तो लोगन पॉल एक बॉक्सर भी रह चुके हैं, तो मतलब ठीक है यार, बहुत अच्छा लोगन पॉल कर रहे हैं डब्ल्यू के अंदर। वैसे रेसलमेनिया में जो मैच होने वाला है सेथ रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल, उसके अंदर कौन जीतेगा, डब्ल्यू एक्चुअली में किसको जिताने वाले, सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर इसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट लोग बात कर लेते हैं एज और ऑस्टिन थ्योरी दोनों के बीच में जो मैच अनाउंस हुआ कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर, उसके बारे में भाई, इसके बारे में जो रिपोर्ट निकलकर सामने आया, सच में सुनकर मेरा मूड ऑफ हो चुका है। डेव मेल्जर की तरफ से ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहा है कि आपको पॉसिबली फिन बैलर इस मैच के अंदर एज के ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू को अभी भी इनका फ्यूड खत्म करने का कोई भी मूड नहीं। रेसलमेनिया के अंदर इन दोनों के बीच में फिर से एक मैच होने वाला एज वर्सेस फिन बैलर हेल इन अ सेल मैच। भाई मतलब जब से मैं ये रिपोर्ट सुना मेरा पूरा मूड ऑफ हो चुका है। मतलब कल जो मैच हुआ था उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी था कि चलो ठीक है, एज का फाइनली विक्ट्री मिल गया, अभी ऑस्ट्रेलियन वगैरह खत्म होने वाला है। यहाँ तो डब्ल्यू वालों को कुछ अलग ही नशा चढ़ा हुआ, उनको फिर से मैच करवाना है रेसलमेनिया के अंदर। वैसे आपका ख्याल इसके बारे में सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। वैसे मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो लोग चैनल पर नहीं होंगे भाई, सारे लोग सब्सक्राइब जरूर से कर ले, क्योंकि कल मंडे नाइट रॉ का पूरा यूट्यूब के ऊपर सबसे पहला अपडेट हमारे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लोग बात करते हैं अपने 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सिना के बारे में। क्या जॉन सिना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच रेसलमेनिया के अंदर होने वाला या फिर नहीं होने वाला, इसके बारे में आपको कंफर्म रिपोर्ट बता रहा हूं। कल जो ऑस्टिन थ्योरी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके अंदर ऑस्टिन थ्योरी ने एक और बात बोला था, जो कि मैंने बाद में जाकर इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर देखा, डब्ल्यू वाले ने खुद से इसको पोस्ट किया। इसके अंदर ऑस्टिन थ्योरी इस बारे में बात कर रहे थे कि भाई तुम लोग जॉन सिना को लेकर क्यों बैठे हुए, जॉन सिना अब खत्म हो चुका है, उसका टाइम खत्म हो चुका, अब मैं हूं नेक्स्ट जॉन सिना। और कमाल की बात है, ये वाला पोस्ट को डब्ल्यू वाले ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम के ऊपर इसे पोस्ट भी किया। तो भाई अब आई थिंक मेरे ख्याल से आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इनका मैच होने वाला या फिर नहीं होने वाला। भाई ये मैच 110% होने ही वाला है रेसलमेनिया के अंदर। वैसे अभी ये बहुत बड़ा स्टील एक प्रॉब्लम है कि इस मैच के अंदर जीतने कौन वाला, क्या जॉन सिना जीतने वाला या फिर हमारे ऑस्टिन थ्योरी जीतने वाले। नेक्स्ट लोग बात करते हैं अपने द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में, जिनके बारे में रिसेंट टाइम में 2 रिपोर्ट निकलकर सामने आई। सबसे पहला रिपोर्ट है, आपने देखा होगा कि ब्रॉक लेसनर इलिमिनेशन चैंबर के अंदर रेफरी को 2-2 बार F5 लगा देता है। एक्चुअली में ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ये ऑफ स्क्रिप्ट था। मतलब सोचो यार, ब्रॉक लेसनर किस लेवल का रेसलर, मतलब जितने भी पेपर व्यू होते हैं हर पेपर व्यू के अंदर वो ऑफ स्क्रिप्ट जाकर रेफरी को ही धो देता है हर बार। और कमाल की बात है, डब्ल्यू वाले कुछ करते भी नहीं, उनको न फायर करते न कुछ बोलते न ही कुछ करते, मतलब ये जलवा है यार द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। और इनके बारे में सेकंड अपडेट ये कि भाई अभी भी डब्ल्यू वाले इन दोनों के बीच में स्टिल एक मैच प्लान कर रहे हैं, मतलब ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लेसनर आपको शायद से फिर से देखने को मिल सकता है डब्ल्यू के। और इसके पीछे पॉसिबली ये रीजन बताया जा रहा है कि अभी भी
WWE वाले फाइनल नहीं किए कि ये दोनों के बीच में एक्चुअल में कौन विनर है, और इसीलिए आपको शायद मंडे नाइट रॉ पर फिर से बॉबी लेस्ली साथ अटैक करते हुए दिख सकते हैं, ब्रॉक लेसनर के ऊपर भी ब्रॉक लेसनर अटैक करते हुए दिख सकते हैं बॉबी लेस्ली के ऊपर। मतलब जब मैंने ये न्यूज़ सुना तो भाई मैं यही सोच रहा था कि भाई मुझे छोड़ दो, मतलब क्या कर रही है WWE, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। वैसे मैं आपको बताऊं इन दोनों का रेसलमेनिया के अंदर मैच होगा इसका चांसेस थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे पर्सनली, ऐसे आपका क्या ख्याल है सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं काफी टाइम पहले जो रूमर निकल कर सामने आया था कि ब्रे वाइट फेस करने वाले अंकल हॉडू को रेसलमेनिया के अंदर, ऐसा अब नहीं होने वाला क्योंकि ये दोनों फ्रेंड बन चुके हैं। यार या तो ब्रे वाइट रेसलमेनिया के अंदर ब्रॉक लेसनर को फेस करेंगे या फिर बॉबी लेस्ली को फेस करेंगे, ये दोनों में अभी भी स्टिल कंफ्यूजन है। वैसे आपके अकॉर्डिंग रेसलमेनिया के अंदर ब्रे वाइट को एक्चुअल में किसको फेस करना चाहिए सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के लास्ट स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ा हमारे द बॉस साशा बैंक्स से रिलेटेड। आई थिंक आप लोग सारे लोग इनको जानते होंगे जो कि WWE के एक रेसलर थे, अभी ये जापान रेसलिंग के अंदर ये न्यू चैंपियन बन चुके हैं। वैसे आज चैनल के ऊपर एक से दो वीडियो अभी और आने वाला, तो भाई बिल्कुल मिस मत करना, सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने लोग चैनल पर नए हो सबके साथ। और ब्लड लाइन का आगे का क्या प्लान होने वाला आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा तो भाई जरूर से जाकर देख लीजिएगा, बहुत कमाल का ये वीडियो। और हाँ जिन लोगों को मेरे से पर्सनल चैट में बात करना भाई सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं, मैं सबसे वहां बात करता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक प्रॉपर मिल जाएगा।